हे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फेस बगैर ट्रैवल न्यूज में। आशा करता हूँ आप घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफी टाइम से मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि फ्राइड एयर बबल्स क्या है, कौन ट्रैवल कर सकता है और इसकी टिकट कॉस्ट क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज है। तो आज जो हमारी वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे होगी कि फ्राइड एयर बबल्स है क्या। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और एविएशन डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई तक इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर रखा है। यहाँ सिर्फ वंदे भारत मिशन से जुड़ी फ्लाइट्स ही उड़ पा रही हैं, जिनमें गो एयर, विस्तारा, एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन शामिल है। लेकिन हाल ही में यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रियों के वंदे भारत मिशन फ्लाइट के बढ़ते विरोध के कारण कुछ देशों ने एयर इंडिया के वंदे भारत मिशन को अपने देश में ना ऑपरेट करने का फैसला किया, क्योंकि एयर इंडिया ही वंदे भारत मिशन के तहत उन देशों में फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी, लेकिन उन देशों की फ्लाइट इंडिया अपने देश में ऑपरेट नहीं होने दिया। तो एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब वो एयर बबल्स बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत उन देशों में अपनी फ्लाइट शुरू करेंगे, जिसमें यूके, यूएस और फ्रांस शामिल है। अब बात करते हैं कि एयर बबल्स होता क्या है। देखिए, जो एयर बबल्स कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है वो दो कंट्रियों के बीच होगा। जैसे अभी इंडिया और फ्रांस का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, इंडिया ही फ्रांस में अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर पाएगी और फ्रांस इंडिया में अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर पाएगी। तो यानी ये दोनों कंट्री एक एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे की कंट्री में अपनी अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और कंट्री की फ्लाइट इंडिया नहीं आ सकती या कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया नहीं आ सकती जब तक कि उनका बायलैटरल या फिर एयर बबल एग्रीमेंट ना हो उस कंट्री के साथ। तो उसमें यह है कि जैसे इंडिया की एयर इंडिया फ्रांस से आएगी और फ्रांस की एयर फ्रांस इंडिया आएगी, तो ये दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे की कंट्री में अपनी अपनी फ्लाइट ऑपरेट करेंगे, तो ये एयर बबल होता है जो दो कंट्रियों के बीच होता है। अभी इसमें फ्रांस के अतिरिक्त लंदन यानी यूके और यूएस भी शामिल है। अब बात करते हैं इसमें कौन ट्रैवल कर सकता है। देखिए, अगर आप टूरिज्म के हिसाब से जाना चाहते हैं या टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रैवल नहीं है। ये एक तरह से वंदे भारत मिशन की तरह ही है। आपके पास परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए उस कंट्री का, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, या आप ओवरसीज रह रहे हैं काफी टाइम से, आप वापस आना चाहते हैं अपने देश, तो आप इस फ्लाइट को ले सकते हैं। या आप किसी कंट्री में फंस चुके हैं, आपका वीजा एक्सपायर होने वाला, तो ही आप इस फ्लाइट को ले सकते हैं। तो ये भी वंदे भारत मिशन की तरह ही है। लेकिन हाँ, इसमें वंदे भारत मिशन और इसमें यह फर्क है कि वंदे भारत मिशन में आपको सिर्फ एयर इंडिया, जो इंडिया से जो फ्लाइट्स आ रही थी वही बुक कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर एयर फ्रांस इंडिया आ रहा है तो आप एयर फ्रांस से बुक कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप एयर इंडिया से आए। और जैसे आप यूएस की बात कर लूँ, यूएस से यूनाइटेड एयरलाइन और डेल्टा एयरलाइन इंडिया ऑपरेट करेंगी और इंडिया से एयर इंडिया यूएस के लिए ऑपरेट करेंगी। तो आप इन तीनों एयरलाइन के फेयर कंपेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप यूनाइटेड से उड़ सकते हैं, क्योंकि जब यूनाइटेड की फ्लाइट इंडिया आएगी तो यहाँ से भी वो इंडियंस को या फिर जो भी पैसेंजर जाना चाहते हैं उनको लेके वो दूसरी कंट्री जाएगी। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होंगे कि आप यूनाइटेड, डेल्टा या एयर इंडिया किसी से भी उड़ सकते हैं, जो भी आपको सस्ता लगे, जो भी आपको ठीक लगे। अब बात आती है कि फ्लाइट कहाँ से बुक करें। आप इनको एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, डेल्टा एयरलाइन की बुक से, मतलब जो भी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है, एयर फ्रांस, डेल्टा एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज जो लंदन से है, यूनाइटेड एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, तो आप इन सभी को आप मतलब इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल एयरलाइन वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी ऑथराइज ट्रैवल एजेंसी से अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपके काफी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जब तक रखें अपना ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।